हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा परसेंटेज का रहेगा फ्रेंड्स, और इलेक्शन बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में। आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का लिए स्पेशल बैच है फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ इलेक्शन बेस्ड, आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस कराया जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप देख रहे हैं यहाँ कि दो प्रत्याशियों के बीच। अब एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो क्वेश्चंस रहेगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आप लोगों को रहेगा। बट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस की ओर मोहन करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, दो प्रत्याशी हैं उनके बीच क्या हो रहा है फ्रेंड्स, चुनाव हो रहा है। चुनाव में कुल डाले गए मतों का क्या, कुल डाले गए मतों के 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी कितना ले रहा है मत, 14,000 मतों से विजयी हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 14,000 मतों से विजयी हो रहा है, और जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, जो जीतना जीतने वाले जो प्रत्याशी है वो कितने वोट से जीता है उसको क्या करना है आप लोगों को फाइंड करना है। यहाँ इंग्लिश में आप लोग देख रहे हैं कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स गेटिंग 60% ऑफ, यहाँ देख रहे हैं 60% ऑफ टोटल वोट, पोलेड इज द इलेक्टेड बाई एन मेजोरिटी ऑफ द कितना, तो 14,000 वोट्स, द विनिंग कैंडिडेट इज, यानी कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनका क्या करना है आप लोग को परसेंटेज फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस को हम बना रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग इसको क्या करें आप लोग देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोगों को लेट करना है। लेट क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोगों को लेट करना है क्या, टोटल नंबर, टोटल वोट, यहाँ टोटल वोट कितना मान लेते हैं हम, यहाँ पे टोटल वोट हम मान लिए 100 मान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 100 इसलिए मान रहे हैं, यहाँ पे आप लोग जो वोट है टोटल कितना भी मान सकते हैं, बट 100 इसलिए मान रहे हैं कि जैसे मैं आप लोगों को परसेंटेज निकालने में क्या होगा आसान होगा, इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 100 को ले रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं 100 लेंगे तो 40% का क्या होगा, 100 का 40% 40 होगा, तो क्या आसान पड़ रहा है, इसके वजह से यहाँ पे क्या ले रहे हैं 100 ले रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं टोटल वोट्स हम कितना ले लिए, 100 ले लिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में कुल डाले गए मतों का संख्या, यानी कि 60% मत प्राप्त करके प्रत्याशी 14,000 मतों से क्या हो रहा है, विजयी हो रहा है। यानी कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 100 टोटल वोट हो गया, नंबर हो गया यानी कि वोट हो गया, इसका 60% कितना हुआ, 100 का 60% 60 हो गया। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ जब 100 का, जब 100% का वोट का 60% 6 हो गया, तो 60 हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना परसेंट बचा होगा, यानी कि 40% अवैध वोट बचा होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 40 और 60, यानी कि ये कितने वोट से जीत रहा है, ये जो वैलिड वोट है वो कितने वोट से जीत रहा है, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 20 वोट से क्या कर रहा है, जीत रहा है फ्रेंड्स। ये जो 20 वोट से जीत रहा है, बट क्वेश्चन में कितने वोट से जीत रहा है, 14,000 मतों से विजयी हो रहा है। यहाँ पे 14,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख रहे हैं 14,000 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 20,000 का वैल्यू 14,000, यानी कि 20 का एक कितना गुना अधिक है, 20 का कितना गुना अधिक है, तो 700, यानी कि 700 गुना अधिक है। उसी प्रकार से जीतने वाले वोट, यानी कि इसमें कितना जीत रहा है, 60%, यानी कि 60 नंबर से जीत रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 76। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर होगा वो 72,000 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे टू देख रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में क्या हो रही है, विजयी उम्मीदवार को 60% क्या हो रहा है वोट मिले थे। दो उम्मीदवार हैं, जैसे मैं आप लोगों को गांव में या गांव के अगल बगल में दूर दराज में, जैसे आप लोगों को पंचायत में या राज्यसभा के इलेक्शन होता है या आपके पंचायत में, जैसे दो गांव से क्या हुए उम्मीदवार खड़ा हुए वोट में, इलेक्शन में खड़ा हुए, और वो दो उम्मीदवार में से जो विजयी उम्मीदवार है उसको कितने मिल रहे हैं, 60% वोट मिले थे। और उनमें से क्या, उनमें से जो विजयी यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, उनमें से 15,400 वोट से वो क्या उम्मीदवार जीत रहे थे, यानी कि उसका जो उम्मीदवार, दो उम्मीदवार खड़ा हुए उसमें क्या, उसमें 60% जो वोट मिले थे और वो जीत रहे थे कितने वोट से, तो 15,400 वोटों से उनको जीत यानी कि विजयी मिली। तो हारने वाले उम्मीदवार यानी कि हारने वाले जो प्रत्याशी हैं उस वो उनकी संख्या वो कितने नंबर से यानी कि कितने वोट से वो हार रहे थे उसको आप लोगों को फाइंड करना है। आप लोगों को मैं इंग्लिश में भी इसका एक रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसका क्या होगा बोल देता हूँ एक बार, कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनिंग कैंडिडेट हैड वोट कितना, 70% ऑफ द वोट पैरेलल एंड हैज बीन वन बाय कितना, 15,400 वोट्स फॉर द लॉसिंग कैंडिडेट, यानी कि जो हार रहे हैं उस कैंडिडेट को क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स इसको भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वोट टोटल वोट कितना मानेंगे, टोटल वोट्स कितना हो गया फ्रेंड्स, टोटल वोट मैंने मान लिया 100, यानी कि टोटल जो वोट था वो कितना है फ्रेंड्स, टोटल वोट 100 है। यहाँ पे आप लोग टोटल वोट को देख रहे हैं 100, इस टोटल वोट में क्या हो रहा है, इन टोटल वोट में 70% यानी कि 100 का 70% कितना होगा फ्रेंड, तो 70 होगा। जब 70% वैलिड वोट था यानी कि जो जीता हुआ उम्मीदवार का 70% यानी कि 70% यानी कि 70 था, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला होगा, 30%। जब ये 70% टोटल वोट 100% था, 100% में से जो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिल रहे वोट, 70% मिल रहे, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे फ्रेंड्स, 30% मिलेंगे, यानी कि 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं एक बात को, यहाँ देख रहे हैं कि जो जीतने वाले और उनमें से 15,400 वोटों से जीत मिली थी, क्या मिला था, 400 वोटों से जीत मिला था। ये वैल्यू आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ 70 यानी कि जो वो जीत रहा है वो कितना, हारने वाले कितना है, 30 है, 70 जीत, ये कितना वोट से जीत रहा है, 40 वोट से जीत रहा है। जीतने वाले जो उम्मीदवार है वो कितने वोट से जीत रहा है, क्वेश्चन में कितने मतलब कि वोट से जीत रहा है, तो 40 वोट से जीत रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में कितने वोट से जीत रहा है, 15,400 वोट से जीत रहा है। ये 40 का 15,400 कितने गुना है फ्रेंड्स, तो 385 गुना है। जब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 में, जब आप लोग 385 के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 15,400 आएगा, यानी कि जो जीतने वाले व्यक्ति जो हैं 40 वोट से जीत रहे हैं उसका कितना, 1500 कर दूँ मैं बराबर, 15,400 उसका जो वैल्यू दिया है वो कितने गुना है, 385 गुना है। तो हारने वाले को क्या करना है, आप लोगों को फाइन करना है, यहाँ पे कितने वोट से हार रहा है, 30 वोट से हार रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि जो 30 है, ये 30 है हारने वाले वोट, ये क्या है, हारने वाले व्यक्ति हैं, हारने वाले वोटर्स हैं, क्या है, हारने वाले वोटर्स, तो कितने वोट से हार रहे हैं, 30 वोट से हार रहे हैं, तो 30 ना होकर के 385 गुना होगा, ये भी 385 गुना हो जाएगा। जब 30 में 385 का आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11,550 हो जाएगा,
1550 राइट आंसर, यानी कि जो हारने वाले व्यक्ति हैं वो 11550 वोट से क्या कर रहे हैं, तो इनकी हार हो रहा है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11550। इसी प्रकार से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप लोग फ्रेंड्स नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं थर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर थ्री है फ्रेंड्स इसको आप लोग देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या है क्वेश्चन, तो आप लोगों को परीक्षा के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसको क्या करना फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे तरीका से समझ लेना फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, कोई चुनाव हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाला है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या कर रहे हैं कि 80% जो मतदाता है अपने वोट नहीं डाले किसी वजह से, जैसे बहुत सारे ऐसे जो सर्विस मैन होते हैं फ्रेंड्स वो वोट के लिए क्या करते हैं अपने गांव आते हैं, छुट्टी में आते हैं, क्योंकि उन लोगों को छुट्टी दिया जाता है, 1-2 दिन का छुट्टी दिया जाता है। वैसा ही मतदाता अपने घर आए और वोट की वजह से उन लोगों को छुट्टी मिला, क्या हुआ वोट की वजह से उन लोगों को छुट्टी मिला और अपने गांव आए, और गांव आने के बाद वो क्या किए, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जब इलेक्शन वोटर जो वोटिंग स्टार्ट हो गया तो उसमें वो क्या किए, वैसे जो मतदाता आए थे सर्विसमैन आए थे वो अपना वोट डालने नहीं गए, यानी कि उन्हीं में से 8% जो मतदाता है क्या किया अपने वोट अपने मत को नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ये जो चुनाव होने वाला था उस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी खड़े थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किया, जो जीतने वाला प्रत्याशी था वो टोटल मत कितना प्राप्त किया 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से क्या चुनाव में उनको जीत मिला, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे यानी कि कितने वहां पर मत थे फ्रेंड्स, तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं उसी प्रकार से यहां पर टोटल वोट को हम मानेंगे। टोटल वोट कितना हम ले लेंगे फ्रेंड्स, टोटल वोट कितना हो गया 100 हो गया, इस टोटल वोट 100 हो गया, इस टोटल वोट 100 में से कितना मतदाता नहीं आए थे, तो 8% मतदाता नहीं आए, यानी कि 100 का 8% कितना हो गया, यानी कि जब 100 टोटल वोटर मतलब कि टोटल जो वोट था 100 था उसमें से 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले, तो कुल कितने मतदाता वोट गए मतलब कि बचे, यहाँ पे वैलिड जो वोट था, यहाँ जो वैलिड वोट कितना बचा, वैलिड वोट कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वैलिड वोट कितना बचा 92 बचा। जब वैलिड वोट आप लोगों को 92 बचा और ये जो मतदाता क्या किए थे वोट नहीं दिए थे, ये नहीं देने वाले हैं व्यक्ति 8%, तो टोटल वोट कितने व्यक्ति दिए होंगे, तो 92% यानी कि वोट डाला गया होगा। और इसमें से क्या कह रहा है कि इसमें से जो जीतने वाले यानी कि जो जीतने वाले प्रत्याशी ने क्या किया था 48% मत को क्या किया था प्राप्त किया था, यानी कि अब जो वैलिड वोट कितना 92 पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना हो गया 48%, कितना हो गया 48%, जब 48%
यानी कि 92 जो वैलिड वोट था उसमें से 48% जीतने वाले व्यक्ति को था, तो हारने वाले व्यक्ति को कितना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जब 48 ये हो रहा है तो हारने वाले को कितना होगा? 44 होगा। हारने वाले को कितना वोट मिला होगा? तो 44 मिला होगा। यानी कि 48 ले एक कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना है? 4 अधिक है। बट क्वेश्चन में कितना अधिक है फ्रेंड्स? यहाँ जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस में कितना मिल रहा है वोट जीतने वाले को? तो जीतने वाले के 1100 वोट मिल रहा है। 4 का कितना गुना 1100 होगा फ्रेंड्स? तो 4 का 275 होगा। यानी कि 4 का 275 गुना 1100 होगा। तो आप लोग से पूछा गया है यहाँ पर कि हरा दिया तो कुल कितने मत थे? तो कुल कितने मत थे फ्रेंड्स? हम कितने वोट माने हैं टोटल? जो टोटल वोट हम माने हैं 100 माने हैं। तो 100 का कितना परसेंट कर देंगे? 100 का कितना गुना 275 गुना 100 भी होगा। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो लाइट है चली गई, बट यहाँ पर फ्लैश के साथ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 92 जो है वैलिड वोट है, वैलिड वोट में कितना 80% यानी कि सॉरी गाइस 48% मत क्या कर रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी को? 80 यानी कि 48% मत मिल रहे हैं, यानी कि 92% जो वैलिड वोट है उसका 48% हो गया, मतलब जीतने वाले व्यक्ति को हो गया। तो हारने वाले को कितना मिलेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 44% यानी कि वोट यहाँ पर डाला जाएगा। बट यहाँ जो हारने वाले व्यक्ति यानी कि जीतने वाले व्यक्ति कितने जीत रहे हैं? हारने वाले से 4% अधिक जीत रहे हैं, यानी कि 4 जो वोट है फ्रेंड्स से अधिक जीत रहा है। बट क्वेश्चन में कितना जीत रहा था, कितना मत मिल रहा था? 1100 मत मिल रहा था। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 का जो वैल्यू है 1100, यानी कि 4 का कितना गुना है? तो 275 गुना है। तो उसी प्रकार से आप लोग से यहाँ पूछा गया था कि टोटल मत कितने थे, तो टोटल मत कितने थे? यहाँ पर टोटल मत हम कितने माने हैं फ्रेंड्स? तो 100 माने हैं। तो उसी प्रकार से 275 गुना कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 275 गुना करेंगे तो कितना हो गया? तो 27,500 हो गया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27,500 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 27,500 वोट टोटल प्रत्याशी का वोट कितना था, तो उस चुनाव में 27,500 वोट मिला था, मत मिला था फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड यानी कि फोर्थ देख रहे हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार क्या किए थे, भाग लिया था, जिसमें 20% वोट क्या था, अवैध था। जो 20% वोट था वो क्या था, अवैध था। अवैध मतलब घोषित कर दिया। तो जीतने वाले प्रत्याशी को यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना 60% वैध मतों का प्राप्त करता है, और क्या करता है यानी कि 6,400 मतों से वो क्या करता है, जीतता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जैसे हम जितने क्वेश्चंस बनाए बट वही क्वेश्चंस है, उसी पर आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चंस को बनाना है। यहाँ पे हम टोटल वोट मानेंगे फ्रेंड्स। टोटल वोट कितना हो गया? टोटल वोट हो गया 100 हो गया। बट 100 में से यानी कि दो चुनाव यानी कि चुनाव में दो उम्मीदवार क्या थे, खड़े थे यानी कि भाग लिए थे, उसमें से यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 20% वोट अवैध था, यानी कि जो 20% वोट था वो अवैध घोषित कर दिया गया था। तो 100% टोटल वोट मान लिए, तो उसमें से 20% अवैध वोट घोषित हो गया, तो कितना वोट बचा होगा? 80% वोट वैलिड हुआ। कितना है वैलिड वोट कितना है फ्रेंड्स?
80% जो वोट है वो क्या है, जो वैलिड वोट है 80%। जब वो वैलिड का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिख देता हूँ, वैलिड का मतलब वैध वोट। वैध वोट कितना होगा, तो वैध वोट आप लोगों को 80% होगा। अब 80% वोट में से आप लोगों को 60% यहाँ पे वोट क्या हो रहा है, यहाँ पे वैध वोट कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, कितना प्राप्त हो रहा है 60%। तो यहाँ कितना वोट बचा होगा, जब यहाँ फ्रेंड्स से आप लोगों को मिल रहा है 60%, तो 60% में यहाँ कितना वोट बचा होगा। और यहाँ फ्रेंड्स से आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ वैलिड यानी कि अवैध वोट, तो अवैध वोट कितना है 40, यानी कि 20 गुना का क्या हो गया, यानी कि 20 है। यानी कि जो यहाँ आप लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जो वैलिड वोट है वो कितना है, 80% है। 80% में 60% क्या है, वैलिड वोट है। 60% क्या है, वैलिड वोट है। तो इनवैलिड वोट का मतलब क्या होता है, अवैध वोट। अवैध वोट कितना होगा, 20% होगा। 20% क्या होगा, मतलब कि इनवैलिड वोट होगा। बट यहाँ क्वेश्चंस में कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो इनवैलिड वोट है वो कितना हो रहा है, इसका 20%, यानी कि 80 का जो वैलिड वोट है वो 80 का 20% क्या कर रहा है, 20% अवैध वोट था। अब इसका जो अवैध वोट था तो 80% का 20% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। और 16 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 16 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है क्वेश्चंस में जीत रहा है कितने वोट से, तो यानी कि 6400 वोटों से क्या कर रहा है, जीत रहा है। बट यहाँ क्वेश्चंस में कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो जो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो इस 16 का कितना गुना है फ्रेंड्स, इस 16 का लगभग आप लोग देख रहे हैं 400 गुना, कितना गुना है, 400 गुना है। तो उसी प्रकार से आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चंस की कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना माने हैं, यहाँ कुल मत कितना है फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं आप लोग कुल मत कितना है, कुल मत जो है वो 100 है। तो 100 का 400 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स 40,000 हो गया। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं वैलिड वोट भी पूछ रहा है, तो वैलिड वोट का कितना गुना करेंगे, वैलिड वोट का 400 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 34 और 32 पर कितने 0 3 0, यानी कि 32,000 क्या होगा, वैलिड वोट होगा, यानी कि वैध वोट कितना होगा, 32,000 होगा। टोटल वोट कितना होगा, जो टोटल वोट है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल वोट कितना होगा, 40,000। टोटल वोट 40,000 और जो वैध वोट होगा वो 32,000 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सोल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगले नेक्स्ट आप लोगों को वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा, सीजन में लेकर आऊँगा आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो आप लोग देख रहे हैं परसेंटेज का जो आप लोग देख रहे हैं, यही पार्ट आप लोगों को केवल बाकी रह गया था, तो इसको भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ मैंने करा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कराया, 4 क्वेश्चंस कराया फ्रेंड्स इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा फ्रेंड्स उसमें आप लोगों को मैं कराऊंगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उसका जो थ्योरी है उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा फ्रेंड्स। तो इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तब तक इसको मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, लव यू रो गाइज। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और
और हमारे जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से मोटिवेट मैं रहता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ फ्रेंड्स। और कोई भी आप लोगों को मतलब कि प्रॉब्लम हो रही होगी क्वेश्चंस में, यानी कि यहाँ समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट को कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में, मित्र में क्या करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना फ्रेंड्स से। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।